टेरिटोरियल आर्मी के साथ करीब दो सप्ताह बिताने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल MS धोनी वापस दिल्ली लौट आए। वे लेह से सीधा राजधानी पहुंचे। वेस्ट इंडीज दौरे पर ना जाकर धोनी 30 जुलाई को टेरिटोरियल आर्मी के साथ जुड़े थे और दो सप्ताह तक उनके साथ ट्रेनिंग की। धोनी के दिल्ली पहुंचने पर कई दिनों बाद जैसे ही उनकी बेटी जीवा ने अपने पिता MS धोनी को देखा, वे उनसे लिपट गई। धोनी के फैन क्लब ने उनकी और बेटी जीवा की भावुक कर देने वाली तस्वीर शेयर की, जिसमें लंबे समय बाद पिता धोनी संभल कर उनकी बेटी जीवा उनके गले लगे हुए दिखाई दे रही है। धोनी के प्रशंसकों ने उनकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इन तस्वीरों में धोनी लेह एयरपोर्ट पर आम आदमी की तरह जांच करवाते हुए नजर आए। धोनी कश्मीर घाटी में तैनात थे, जिसके बाद स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर वे नए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख गए थे। वे वहां आर्मी हॉस्पिटल में मरीजों से भी मिले थे। लेह एयरपोर्ट पर धोनी ने अपने प्रशंसकों के साथ फोटो भी खिंचवाई। भारत के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज धोनी ने आर्मी के साथ 15 दिन की ट्रेनिंग के दौरान वहां पेट्रोलिंग भी की। इंग्लैंड के हुए वर्ल्ड कप में भारत का सफर सेमीफाइनल में ही खत्म हो गया था, जिसके बाद माना जा रहा था धोनी आने वाले दिनों में अपने संन्यास की घोषणा करेंगे, लेकिन वेस्ट इंडीज दौरे पर वे खुद को अनुपलब्ध बताकर आर्मी के साथ ट्रेनिंग पर चले गए। और अब जब वापस आ गए हैं तो अब सबकी नजरें उन पर टिक चुकी हैं कि वे आगे क्या करने वाले हैं। आप भी इस खबर पर अपनी राय रखिएगा, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।